हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2018 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी मैलिशियस को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी एक यंग प्रोफेसर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की है और उसकी वाइफ को उसकी बहन एक बॉक्स गिफ्ट करती है और उसके बाद ही उसके जीवन में भयानक घटनाएं होने लगती है। इस फिल्म को माइकल विनिक ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में जो स्टीवर्ट, बोयाना नोवाकोविच और मेलिसा बोलोना है। आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का शॉर्ट आउट जाता है अनु चौधरी, अलीना खान, रुक्षार, विनीत और समृद्धि को। तो इसी तरह हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उसकी कंडीशन देखकर ये हम समझ सकते हैं कि वो किसी चीज के कारण बहुत ज्यादा परेशान और टेंस है। उसी दौरान वो अपने घर में मौजूद एक अजीब सी पेंटिंग को भी देखता है। वहीं दूसरी तरफ बेडरूम में सो रही उसकी वाइफ की किसी आवाज के कारण नींद खुलती है और वो लगातार आ रही इस आवाज़ के पीछे बाथरूम में पहुंचती है। वो देखती है कि उसका पति अपना सिर लगातार आईने में मार रहा होता है, जिस कारण उसके सिर से खून भी आ रहा होता है। और फिर वो अपनी वाइफ के सिर पर लोहे की रॉड से मारकर उसे मार देता है। इसके बाद कहानी प्रोफेसर एडम और उनकी वाइफ लीजा पर आती है। ये दोनों बहुत ही हैप्पी और लविंग कपल है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लीजा प्रेग्नेंट है और प्रोफेसर एडम और लीजा एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर को वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी ने जॉब ऑफर किया था और ये यूनिवर्सिटी उन्हें बेटर सैलरी और पोजीशन के साथ साथ एक खूबसूरत घर भी दे रही थी। और इस घर को देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद इन्हें लीजा की सिस्टर के द्वारा भेजा गया एक गिफ्ट मिलता है, जो कि एक मिस्टीरियस बॉक्स था। एडम जब उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो उसे ओपन नहीं कर पाता। अगले दिन एडम यूनिवर्सिटी जाने के पहले लीजा को बच्चे की सेफ्टी के लिए बोलता है कि वो कोई भी हैवी वर्कआउट ना करे या कोई भी हैवी वेट को पुल ना करे, लेकिन लीजा उसे बोलती है कि वो बच्चे के क्रिप को फिक्स करना चाहती है। तभी एडम उसे बोलता है कि वो क्रिप हैवी है, इसलिए वो दोनों साथ में मिलकर इसे फिक्स करेंगे। वहीं एडम के जाने के बाद लीजा की नजर उस मिस्टीरियस बॉक्स पर जाती है। यहाँ क्यूरियोसिटी के कारण लीजा उसे खोलती है और बहुत आसानी से इस बॉक्स को ओपन कर देती है, जबकि एडम इसे खोल ही नहीं पा रहा था। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता और फिर लीजा अपने होने वाले बच्चे के रूम को सेट करने चली जाती है और यहाँ लीजा वो क्रिब यानी बच्चे के पालने को भी फिक्स कर लेती है। इसके बाद लीजा रनिंग करते हुए जंगल में जाती है और उसे वहाँ वही औरत दिखती है जिसे मूवी के स्टार्ट में उसके पति ने मार दिया था। वो लीजा के पास आती है और उसे बोलती है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और वो लीजा को बोलती है कि तुम भी अपने बच्चे को खो दोगी, क्योंकि वो बच्चा अब तुम्हारा नहीं है। तभी लीजा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडम लेक्चर ख़त्म होने के बाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डॉक्टर क्लार्क को मिलता है, जो कि उस यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन ये प्रोफेसर की आंखें नहीं थी। इसके बाद एडम को लीजा का कॉल आता है। लीजा उसे उस औरत के बारे में बताती है जो उसे उस जंगल में मिली थी। नेक्स्ट सीन लिविंग रूम में लगी हुई पेंटिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक औरत उन्हें खेलते हुए देख रही। इसके बाद जब लीजा की नज़र उस पेंटिंग पे जाती है तो आश्चर्यचकित रूप से पेंटिंग में उस औरत का फेस दूसरी तरफ टर्न हो गया होता है और अब वो पेंटिंग वाली औरत उन बच्चों को खेलते हुए नहीं बल्कि दूसरी ही दिशा में देख रही होती है। इस बात से लीजा बहुत हैरान हो जाती है और उस पेंटिंग को देख रही होती है। तभी उस घर के बाहर हम एक छाया को भी देखते हैं और फिर उसके घर का बेल बजता है। लीजा जब डोर ओपन करती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। तभी लीजा को बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। लीजा जब उस आवाज़ के पीछे जाती है तो उसे क्रिब में एक छोटी सी बच्ची रोते हुए मिलती है। लीजा उस बच्ची को गोद में उठाती है और फिर वो बच्ची एक शैतान में बदल जाती है और हमें लीजा की चीखें सुनाई देती है। आगे जब एडम घर पहुंचता है तो लीजा उसे ग्रिप के पास घायल और बेहोश मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एडम को बताती है कि अब वो ठीक है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया है और वो डॉक्टर एडम को ये भी बोलती है कि लीजा अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि लीजा के बच्चे को शैतान ने ही मारा है और
लीजा की इस हालत का जिम्मेदार भी शैतान ही है। आगे हम देखते हैं कि जब एडम लीजा को मिलता है तो वो उसे उस बच्ची के बारे में बताती है कि वो एक लड़की थी और वो उन्हीं की बच्ची थी। लीजा बोलती है कि उसने उस बच्ची को गोद में लिया और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। तभी वहाँ लीजा की बहन बेकी आती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि एडम लीजा की बहन बेकी को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बाद वो लीजा की बहन को बोलता है कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा, लेकिन यहाँ बेकी उसे बोलती है कि वो तब तक लीजा के साथ रहेगी जब तक कि लीजा ठीक नहीं हो जाती। आगे हम देखते हैं कि लीजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है और अब घर में नेगेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। एडम जब क्रिप्ट के पास के ब्लड को साफ कर रहा होता है तो उसे वहाँ वही मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। एडम देखता है कि ये बॉक्स ओपन हो चुका है। वो बॉक्स लीजा के पास लेके आता है और लीजा को बताता है कि ये बॉक्स ओपन हो गया है। तभी लीजा उसे बोलती है कि उसे पता है क्योंकि ये बॉक्स उसी ने ओपन किया था। और फिर लीजा उसे बोलती है कि ये बॉक्स वो वापस लिविंग रूम में रख दे। लेकिन यहाँ एडम उसे बताता है कि ये बॉक्स उसे बच्चों के रूम में मिला, वो भी क्रिप्ट के पास। ये बात सुन के लीजा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये बॉक्स लिविंग रूम में उस पेंटिंग के पास रखा था। आगे जब एडम उस बॉक्स को पेंटिंग के पास रख रहा होता है तभी वहाँ बेकी आती है। बेकी एडम को बताती है कि उसने ये बॉक्स एक नीलामी में खरीदा था जहाँ घर के सामान नीलाम हो रहे थे। आगे हम देखते हैं कि रात में जब एडम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लीजा वहाँ नहीं है। और फिर वो जब लीजा को ढूंढता है तो लीजा उसे लिविंग रूम में मिलती है। लीजा लिविंग रूम में खड़े होकर उस पेंटिंग को देख रही होती है। यहाँ लीजा एडम को बोलती है कि ये पेंटिंग चेंज हो गई है और इस पेंटिंग में जो बच्चे खेल रहे हैं वो अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि इस पेंटिंग में पहले वो औरत भी अपने बच्चों की तरफ देख रही थी, लेकिन अब किसी और दिशा में देख रही है। मतलब साफ है कि ये पेंटिंग लगातार चेंज हो रही है, जो कि एक आश्चर्यचकित बात है। लेकिन यहाँ एडम लीजा की बात पर ध्यान नहीं देता और उसे बोलता है कि इस पेंटिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन लीजा जब अपनी बहन बेकी के साथ योगा कर रही होती है तभी उसे बच्चे की आवाज आती है। लीजा ऊपर बच्चों वाले रूम में जाती है। उसे क्रिब में फिर से एक लड़की दिखती है, लेकिन इस बार ये लड़की पहले से बड़ी होती है। लीजा उस बच्ची को देख कर डर जाती है और अपनी बहन बेकी को इस बारे में बताती है, लेकिन बेकी इस बात से इनकार कर देती है। बेकी बोलती है कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा और बेकी को कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। रात को लीजा ये सारी बातें एडम को भी बताती है और फिर एडम उसे ये बताता है कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। एडम उसे ये भी बोलता है कि उस दिन उसे अकेले वो क्रिप को फिक्स नहीं करना था, और ये बात सुनते ही लीजा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एडम को बोलती है कि लीजा फिजिकली तो ठीक हो गई है पर मेंटली वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक, दुखी और टेंस है। डॉक्टर एडम को बोलती है कि उसे लीजा को मेंटली सपोर्ट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम बच्चे के रूम से सारी चीजें हटा देता है। आगे हम देखते हैं कि जब रात को लीजा सो रही होती है तब सबसे पहले कोई उसकी चादर खींचता है और फिर एक लड़की उसे मॉमी कहकर बुलाती है। लीजा की नींद खुलती है और वो उस लड़की को देखकर डर जाती है और फिर वो एडम को भी जगाती है। उसी दौरान वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एडम जब उठता है तो लीजा उसे इस बच्ची के बारे में बताती है और फिर एडम घर में चेक करता है और फिर एडम को हेलुसिनेशन होता है जिसमें उसे बेकी उसके एक स्टूडेंट के साथ दिखती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लीजा को बोलता है कि बेकी अपने घर कब जाएगी, लेकिन लीजा यहाँ अपने साथ हो रही इन घटनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो एडम से डॉक्टर क्लार्क के बारे में पूछती है जो कि इस कंट्री के सबसे बड़े और सबसे फेमस पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। और फिर लीजा की बात मानकर एडम उसे बोलता है कि वो डॉक्टर क्लार्क से इस बारे में बात करेगा। आगे हम देखते हैं कि एडम डॉक्टर क्लार्क को बताता है कि मिसकैरेज के बाद उसकी वाइफ को बार बार लड़कियाँ दिख रही हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो घर हॉन्टेड है। यही डॉक्टर क्लार्क एडम को बोलते हैं कि वो घर हॉन्टेड नहीं है और वो ये भी बोलते हैं कि वो लीजा को मिलने कल उनके घर जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम घर में बेकी को देखते हैं जो कि आईने में खुद को देख रही होती है। तभी मिरर में उसका प्रतिबिंब एक्स्ट्रा मूव करता है और बेकी ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी उस मिरर से हाथ बाहर आता है और वो बेकी के सिर को उस मिरर पर मार देता है। यहाँ लीजा बेकी की चीख सुनकर ऊपर आती है और वो देखती है कि आईना टूट गया है और बेकी बाथरूम में है। लीजा बेकी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और अंदर से बेकी बोलती है कि यहाँ सब ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि बेकी के सिर से खून निकल रहा होता है और मिरर में उसका प्रतिबिंब उसे डराकर चुप रहने को बोल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेकी डर कर वहाँ से चली जाती है
और शाम को जब एडम घर आता है तो वो देखता है कि लीज़ा बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसकी बहन वहाँ से बिना बताए ही चली गई थी। यह एडम उसे बोलता है कि उसने डॉक्टर क्लार्क से बात की है और डॉक्टर क्लार्क कल उससे मिलने घर आ रहे हैं। नेक्स्ट दिन जब डॉक्टर क्लार्क उनके घर आते हैं तब लीज़ा उन्हें बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका मिसकैरेज इस घर के कारण ही हुआ है। तभी डॉक्टर क्लार्क उसे बोलते हैं कि ये घर हॉन्टेड नहीं है और वो ये सेंस कर सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को फील कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर क्लार्क उस बॉक्स की ओर जाते हैं और उन्हें उस बॉक्स में कुछ गलत महसूस होता है। वो इस बॉक्स के बारे में पूछते हैं तभी एडम उन्हें बताता है कि लीज़ा की सिस्टर ने ये बॉक्स गिफ्ट किया है और वो इस बॉक्स को ओपन नहीं कर पा रहा था। तभी लीज़ा बोलती है कि उसने ये बॉक्स को बहुत ही आसानी से ओपन कर लिया था। यहीं डॉक्टर क्लार्क बोलते हैं कि तुमने इस बॉक्स को ओपन किया और इस बॉक्स ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। ये सुनते ही एडम भड़क जाता है और डॉक्टर को घर से निकाल देता है। यहाँ डॉक्टर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो और लीज़ा बहुत बड़ी मुसीबत में है और चाहे वो कहीं भी चले जाए ये शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ लीज़ा के समझाने के बाद भी एडम उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद लीज़ा की नज़र उस पेंटिंग पे जाती है। वो देखती है कि पेंटिंग में मौजूद बच्चे अब लीज़ा की ओर देख रहे हैं और ये देख कर लीज़ा बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडम शॉवर ले रहा होता है तभी वहाँ एक औरत आती है और वो औरत एडम के बहुत करीब आ जाती है। एडम उसे देखकर डर जाता है तभी वो फोर्सफुली एडम को किस करती है और फिर चेंज होकर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। यहाँ एडम डर कर वहाँ से निकल जाता है तभी वहाँ लीज़ा आती है और लीज़ा एडम की यह हालत देखकर उसे पूछती है क्या तुम्हें भी लड़कियाँ दिखी है। एडम उसे बताता है कि उसने दो औरतों को देखा है और फिर एडम लीज़ा की बात मानकर डॉक्टर क्लार्क को वापस बुलाता है। डॉक्टर क्लार्क बताते हैं कि ये फर्टिलिटी बॉक्स है और इसे एक प्रेग्नेंट औरत ही ओपन कर सकती है। ये बॉक्स शैतान ही नहीं है बल्कि ये बॉक्स एक जेल की तरह है जिसमें शैतान को बंद करके रखा जाता है और जो भी इसमें से बाहर आया है उसे वापस इस बॉक्स में बंद करना होगा। इसलिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये क्या है, क्या चाहता है और इसने लीज़ा के बच्चे को क्यों मारा है। इसके बाद डॉक्टर क्लार्क उन्हें एक फाइल देते हैं जिसमें उस बॉक्स रिलेटेड रिसर्च वर्क था। इस फाइल में जेम्स और उसकी वाइफ के भी डिटेल्स होती है। जेम्स वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में उसकी वाइफ का मर्डर करते देखा था। तभी लीज़ा बोलती है कि जेम्स की वाइफ वही औरत है जिसे उसने मिसकैरेज वाले दिन जंगल में देखा था। डॉक्टर क्लार्क उसे बताते हैं कि ये औरत 2 साल पहले ही मर चुकी है और उसका पति उसके मर्डर के चार्ज में जेल में है और जेम्स का ये कहना था कि उसके होने वाले बच्चे को इस बॉक्स ने मारा है। और फिर ये लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए घर में हर जगह माइक्स लगाते हैं ताकि घर में होने वाली हर एक्टिविटी को नोटिस कर सके। कुछ देर की खामोशी के बाद बच्चे वाले कमरे में कुछ एक्टिविटी होने का साइन मिलता है और फिर जब वहाँ की रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाता है तो किसी बच्चे की आवाज़ आती है जो वहाँ लगातार मॉमी मॉमी मदर मदर बोल रही होती है। यहाँ डॉक्टर क्लार्क जब पूछते हैं कि तुम कौन हो तो रिप्लाई आता है लीज़ा जूनियर। ये सुनते ही लीज़ा घबरा जाती है और फिर घर की लाइट्स एक एक कर बंद हो जाती है। लीज़ा डॉक्टर को बताती है कि वो अपने होने वाले बच्ची को लीज़ा जूनियर बोल कर बुलाती थी। तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी बच्चे की दौड़ने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। डॉक्टर क्लार्क उस शैतान को बोलते हैं कि तुम्हें इस बॉक्स से निकाला गया था तो वापस कैसे इसमें लाया जा सकता है। तभी डॉक्टर क्लार्क के पीछे उस बच्ची का प्रेत आता है और बोलता है उस बच्ची की प्रेत को देखकर सभी डर जाते हैं और फिर पूरे घर में एक्टिविटीज रिकॉर्ड होने लगती है। यहाँ डॉक्टर क्लार्क को वो सभी लड़कियाँ दिखती है जो लीज़ा और एडम को दिखी थी और फिर ये सभी लड़कियाँ शैतान में बदल जाती हैं। और फिर डॉक्टर क्लार्क उन्हें बताते हैं कि वो शैतान जो बॉक्स में था उसने लीज़ा की बच्ची को पोजेस कर उसे मार दिया और फिर उसकी जगह ले ली है और वो लीज़ा से कनेक्टेड है इसलिए लीज़ा जहाँ भी जाएगी वहाँ ये लीज़ा के साथ आएगा। इसी दौरान डॉक्टर क्लार्क घायल हो जाते हैं और फिर लीज़ा बोलती है कि जेम्स ने वापस उसे बॉक्स में कैद कर दिया था इसलिए हमें जेम्स से मदद लेनी चाहिए। और फिर लीज़ा और एडम जेम्स से मिलने जाते हैं। ये दोनों जेम्स को उस बॉक्स के बारे में बताते हैं और फिर जेम्स के पूछने पर लीज़ा उसे बताती है कि उसने छोटी बच्ची एक लड़की और एक टीनेजर को देखा है। और तभी एडम बताता है कि उसने एक औरत और एक बूढ़ी औरत को भी देखा है। जेम्स उन्हें बोलता है कि ये शैतान तुम्हारे बच्चे को मारकर उसकी जगह ले लेता है और पहले वो सिर्फ माँ को दिखता है और जब वो बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है तो दूसरों को भी दिखने लगता है। जेम्स एडम को बोलता है कि अब वो शैतान तुम्हें जान से मार देगा और वो बोलता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो लीज़ा को मार दो क्योंकि वो शैतान लीज़ा से कनेक्टेड है। अगर लीज़ा मर गई
तो वो वापस उस बॉक्स में चला जाएगा। इसके बाद लीजा एडम को बोलती है कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन एडम उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेगा। यहाँ लीजा उसे बोलती है कि अगर उसने लीजा जूनियर को लव करना और प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो उसे तो नहीं मारेगा लेकिन वो शैतान बाकी सभी को मार देगा। लीजा बोलती है कि वो अभी भी उन्हें देख सकती है, और फिर वो बूढ़ी औरत का रूप एडम का गला दबाने लगती है और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ अब ये साफ हो चुका है कि एडम और लीजा को वो लड़की, टीनेजर और वो औरत और बूढ़ी औरत जो भी दिख रही है, ये सभी इन दोनों के बच्ची के ही अलग अलग एज का रूप है। और फिर जब एडम को होश आता है तो वो देखता है कि लीजा वहाँ नहीं है। एडम लीजा को ढूंढते हुए घर पहुंचता है और फिर उसकी नज़र उस पेंटिंग पे जाती है। पेंटिंग में मौजूद सारे बच्चे और वो लेडी अब एडम की तरफ देख रहे होते हैं और ये सभी चेंज होकर शैतान बन गए थे। तभी एडम को हेलुसिनेशंस होते हैं और उसे वहाँ बेकी दिखती है, और फिर बेकी चेंज होकर एडम की एडल्ट बेटी बन जाती है और वो एडम पर अटैक करती है। यह एडम को और भी हेलुसिनेशंस होते हैं। और आगे जब एडम को लीजा दिखती है तो लीजा उसे बोलती है कि बॉक्स ओपन करने के बाद जंगल में उसे जेम्स की वाइफ इसलिए दिखी क्योंकि बॉक्स ओपन करने पर वो भी आज़ाद हो गई थी और वो लीजा को वॉर्न कर रही थी, पर लीजा ये समझ नहीं पाई। और फिर लीजा उस शैतान लीजा जूनियर को प्रोटेक्ट और प्यार करने की बातें करते हुए एडम को चाकू से मारकर घायल कर देती है। घायल एडम पर एक बार फिर से वो बूढ़ी लीजा जूनियर अटैक करती है और एडम उसके पेट में रॉड मार देता है। और फिर एडम को रियलाइज होता है कि वो लीजा को घायल कर दिया है। यहाँ लीजा एडम को बोलती है कि वो ये सब खत्म करने के लिए उसे जान से मार दे क्योंकि और कोई चारा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि लीजा जूनियर लड़की और वो टीनेजर एडम को रोकने की कोशिश भी करती है और फिर फाइनली एडम लीजा को जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम को लीजा के मर्डर के जुर्म में सजा हो गई है और डॉक्टर क्लार्क उससे मिलने आते हैं। एडम डॉक्टर क्लार्क को बताता है कि उसने लीजा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि जेम्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, बल्कि उसने ऐसा लीजा और अपनी बेटी के लिए किया था। इसके बाद डॉक्टर क्लार्क जब उससे उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताता। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकी प्रेग्नेंट है और बेकी को एडम ने वही बॉक्स गिफ्ट किया है। यह एडम ने ऐसा करके बेकी से लीजा और अपनी बच्ची का बदला लिया है क्योंकि बेकी ने अनजाने में ही ये बॉक्स लीजा को गिफ्ट किया था। ये मूवी यहीं एंड होती है, लेकिन इस मूवी में कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली थी, जैसे कि जब वो शैतान उस बॉक्स से बाहर आता है तो वो सबसे पहले अजन्मे बच्चे को मारकर उसकी जगह ले लेता है और फिर पेरेंट्स को उस बच्चे की छोटी से लेकर बड़े उम्र तक के रूप में दिखता है और उस घर में मौजूद पेंटिंग और आईने में भी उस शैतान का प्रभाव देखा जा सकता है। तो आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।